नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र और मैं आज आपको सिलाई मशीन सही करना सिखाऊंगा। दोस्तों, मेरे पास ये ख़राब दो उषा की सिलाई मशीनें हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों ही मशीनें ख़राब है। आज हम इनको सही करेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए आखिर तक हमारा वीडियो और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम मशीनों को सही करते हैं। दोस्तों, सही करने के लिए इस मशीन को पहले हम करीब से देख लेते हैं और आप भी देख लो इसका मॉडल कैसा है। इसको पीछे से भी देख लेते हैं। तो इस तरीके का इसका ये मॉडल है। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले जो ये इसका घूमने वाला हिस्सा है इसको हल्का सा पकड़ के घुमाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखोगे ये जाम है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये जब बहुत ज़्यादा सिलाई कर लेते हैं उसके बाद ये होती ही होती है। ये देखो बहुत टाइट है, हालांकि ये यहाँ से ये चल रहा है और ये बहुत टाइट है। तो चलो दोस्तों, हम इसको सही करते हैं और इसके लिए आपको बताते हैं कि इसको खोलनी कैसे है। इसमें दोस्तों ये बहुत ही लेटेस्ट मॉडल है और इसको यानी जितना हो सके यूज़र फ्रेंडली बनाया है ताकि इसको खोलना भी आसान रहे और बंद करना भी। मोस्टली दोस्तों इसको यहाँ अंदर से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि एकदम सेफ हिस्सा है। इसका ख़राब होने का चांसेस बहुत माइनर है। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो एक यही ये एक ऐसा हिस्सा है जिसमें ज़्यादातर मतलब 80% 85% प्रॉब्लम यहीं पर ही आती है। और क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको खोल के बताता हूँ, ठीक है। तो हमको सबसे पहले जो आपको ये एक स्क्रू नज़र आ रहा है इसको हमको खोलना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये स्क्रू मैंने इसका खोल लिया है। अब हम इस टब को थोड़ी आराम से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम मशीन को सीधा रखेंगे। दोस्तों, इस हिस्से में ये थोड़ा फंसा हुआ है तो हम इस जगह लगा तो फिर दोस्तों ये हिस्सा ऐसा खुल गया है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम इसको आराम से इस हिस्से को देखेंगे। तो दोस्तों गौर करके देखो आप, ये जो हिस्सा काम कर रहा है सही है, एकदम परी टाइट फिर रहा है। ओके, तो दोस्तों इसके अंदर देखिए आप, जो मशीन का ये धागे वाला हिस्सा है जहाँ से धागा आता है वो हिस्सा हम देखेंगे। ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, इसमें आप गौर करके देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे धागे लपटे हुए हैं, देखो। ओके, आप पास में से देख सकते हो, शायद मेरा कैमरा इतना जूम नहीं कर सकता इसको। ओके दोस्तों, शायद आपको दिखाई दे। एक सेकंड को दोस्तों आप देख सकते हो उसको जूम करके इसके बड़े नज़दीक से कि इस हिस्से में धागे लपटे हुए हैं। अब हमको क्या करना है, एक नई ब्लेड लेनी है और उस ब्लेड की मदद से इन धागों को यहाँ से हटाना है ताकि ये जो यहाँ पर जो इसको जाम हो रहा है वो सही कर सके, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम इस नई ब्लेड की मदद से ये जो यहाँ पर ये जो आपको धागे नज़र आ रहे हैं इसको आराम से हटाना है, काटना है। जो ज़्यादा फंसे हुए हैं उनको काट देना है और जो उलझे हुए हैं उनको सुलझा देना है और इसको बिल्कुल साफ़ कर देना है अपन को, ठीक है दोस्तों। ये काम थोड़ा सावधानी से करें, आराम से करें, क्योंकि ये दो ब्लेड है इससे हाथ कट भी सकता है
तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आराम से इस चीज़ को साफ़ करना है आपको। आप चाहे तो इसके अंदर किसी और भी औजार की मदद ले सकते हैं, जैसे परकार, सुई, ताकि बारीक, क्योंकि बहुत बारीक जगह है और इस जगह पे से ये चीज़ अपन को साफ़ करनी है। ठीक है दोस्तों, ये देखो इस धागे को हमको यहाँ से हटाना है। ठीक है, खींच के आराम से निकाल सकते हो, थोड़ी मशीन को आगे पीछे करके भी घुमा के। देखो कैसे हिला रहा हूँ मैं, हिल रही है और धागे धीरे धीरे निकल रहे। तो इसको आप पूरी तरीके से साफ कर लिए। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, आप देख सकते हो ये सामने एकदम साफ कर लिया है और ये इससे एकदम साफ हो गया है। अब हमको दोस्तों इस मशीन में हल्का ऑयल डालना है। ओके ओके दोस्तों, अब हमको इसके अंदर ऑयल डालना है। तो ऑयल डालने के लिए हमको सबसे पहले इसके जो मूव करने वाले पार्टों को गौर करके देखना। देखो ये कहाँ कहाँ से इसका पार्ट मूव हो रहा है, और उसी जगह हमको ऑयल डालना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑयल डालने का सही तरीका है कि हमको एक तो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बिल्कुल माइनर सा ऑयल डालना है। जैसे कि देखो ये इस पेचकस पे लेके एक बूंद डाल दिया यहाँ पर, ओके, इससे ज़्यादा नहीं, एक बूंद हमने निचले हिस्से पर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, और एक बूंद हमने इसके इस हिस्से पर डाल दिया। ठीक है, हमको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इस पे बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि ये चीज़ इसके लिए बहुत घातक रहती है। ओके, ये हमने इसकी ऑयलिंग कर दी है, जो इसके मूवमेंट करने वाले हिस्से सभी में लगभग। ओके, से ये मशीन काफ़ी स्मूथ चलने लगेगी। दोस्तों ऑयल का मतलब है बहुत माइनर सा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं तो ये मशीन गंदी हो जाएगी और अपना ऑयल काम भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तब हमने ये ऑयलिंग कर दी है इसके, हल्की सी इसको फिरा के देखेंगे हम। ये अच्छी तरह चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको लाइट से कनेक्ट करके चला के देखते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो हाँ, तो दोस्तों मैंने इसको अब बिजली से कनेक्ट कर ली है। अब हम इसको हल्की हल्की स्टार्ट करके देखेंगे क्या रेस्पॉन्स आता है। दोस्तों ये मैंने इसको काफ़ी धीरे चला रखा है, इसको हल्की सी चलने दो, थोड़ी तेज करते हैं इसको। ओके, तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी मशीन सही हो गई है। अब इसको हम इसका ओके दोस्तों, अब हमारी सिलाई मशीन सिलाई के लिए तैयार हो गई है, और हम इसके लिए अब इसके अंदर धागा डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको धागा डालने का सही तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये गट्टी डालनी है। ठीक है दोस्तों, फिर इसको यहाँ से ऐसे जो ये पहला क्रॉस है उससे हमको नीचे लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, हमने इसको नीचे तक लिया, वापस इसको रिटर्न ऊपर लाना है। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो ऊपर का ये हिस्सा है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये इस हिस्से में हमको इस धागे को पिरोना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसको वापस नीचे लेकर आना। ये धागा नीचे आ गया है,
अब इस धागे को हमको इस सुई के अंदर पिरोना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये धागा मैंने इस सुई के अंदर पिरो लिया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हम इस स्टैंड को ऊंचा करके इसको इस बीच में से ये दोनों धागों को देखो दोस्तों, एक धागा नीचे से एक ऊपर से, ये दो धागे वैसे बेच पर रख देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक कपड़ा रखेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये एक सफ़ेद कपड़ा मैंने डाल लिया है और काला धागा है, ताकि मैं आपको इस कैमरे में इसकी सिलाई को साफ साफ दिखा सकूं। दोस्तों अभी देखो हमारी सुई ऊपर है, इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार इस सुई को इस तरीके से अंदर डाल के आपको बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, ये अब इसने धागा पकड़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। देखिए तो दोस्तों देखिए ये इसकी सिलाई। ठीक है, इसको पीछे से भी देख लेते हैं, धागा सही दे रही है ना। ओके, तब इसको एक बार दोस्तों एक बार हम इसका देखो जिगजैग पैटर्न का ट्रायल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको चला के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं इसका ये जिगजैग पैटर्न एकदम क्लियर साफ है, बड़ी सफाई से इसने जिगजैग पैटर्न दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस मशीन को हमने ठीक कर ली है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा ये वीडियो। ये और मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मशीन के बारे में कोई और समस्या हो तो मेरे को कमेंट्स करें, ताकि मैं उस समस्या को आपको बता सकूं। ठीक है दोस्तों, और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। दुनिया जी।